तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क डन ड्यू टू डायपोल मोमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट, इसके कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। सो अभी हम बात करेंगे वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वर्क डन ड्यू टू डायपोल, वो भी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दिखेगा, जैसे सपोज करिए हम लोगों ने इधर प्लेट बना लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना है। इसमें क्या किया, एक डायपोल को हम लोगों ने प्लेस्ट कर लिया, ये लिखे डायपोल, यहाँ पे माइनस क्यू प्लेस्ट किया तो इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, इधर क्या लगेगा फोर्स क्यू इंटू ई, इधर लगेगा अगर प्लस क्यू है, डिस्टेंस कितना इनके बीच की टू एल, ठीक है, एंगल कितना थीटा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इस डायपोल को प्लेस्ट किया तो एक इन पे फोर्स लगा क्यू ई, इधर लगेगा फोर्स क्यू ई एंड इधर क्या लगेगा क्यू ई, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो ये क्या होता था, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा लेकिन रोटेट क्या करेगा, रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट ये क्या करेगा रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस डायपोल को अगर हम लोग बात करें तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसा, क्लॉकवाइज, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, बट हम लोग चाह रहे हैं इसको ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, डू सम वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट को बी नीड टू सम वर्क, क्या करना पड़ेगा हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ेगा वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के। तो ये देखिए हम लोगों ने सपोज करिए इसको कंसीडर कर लिया, इनिशियली ये थीटा वन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने ये ऐसे रोटेट कर दिया, ये ऐसे, ये एंगल कितना हो गया थीटा टू, ये इधर हो गया एंड ये इधर, ऐसे मान लिया मैंने कितना एंगल सरफेस किया थीटा टू। तो इफ वी नीड रोटेट है ना एंगल थीटा वन टू थीटा टू, तो वी नीड टू डू सम वर्क, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्ट करना पड़ेगा एनर्जी को, कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी वी इन्वेस्ट सम एनर्जी, राइट। तो देखिए थीटा वन से थीटा टू, अब हमें पता है कि वर्क डन इन ट्रांसलेटर में पता करते थे तो एफ डॉट डी एस लिखते थे ट्रांसलेटर की वजह से, ट्रांसलेटर, ठीक। लेकिन अगर हम रोटेटरी बात करें तो ये लिखते थे टाउ डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे टाउ डॉट, ये रोटेटरी होगा, क्या लिखोगे रोटेटरी, ओके, टाउ डॉट डी थीटा, ओके। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाउ कर लो क्या लिखे, डब्ल्यू कर लो क्या लिखेंगे डी डब्ल्यू लिख लेते हैं, छोटा सा वर्क है डी डब्ल्यू, तो टाउ के प्लेस पे हम लोग अभी सीखे पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक, क्या लिखा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए पी कॉन्स्टेंट है, पी को बाहर कर लेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई, इंटीग्रेट कर लोगे साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से थीटा वन से थीटा टू, देखिए थीटा वन से थीटा टू रोटेट कर रहे हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू मिल जाएगा पी साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन थीटा वन अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक, प्लेस करेंगे हम लोग तो देखिए पी जब पुट करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा टू और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माने जब अंदर प्लेस करोगे तो लिख सकते हैं कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये डब्ल्यू इक्वल टू, तो जो डब्ल्यू का एक फार्मूला है पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन का फार्मूला आ गया ड्यू टू टॉर्क, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग प्लेस कर लें कि इफ थीटा वन इक्वल टू थीटा एंड थीटा टू इक्वल टू मान लेता हूँ जीरो डिग्री, मान लें जीरो डिग्री, तो डब्ल्यू इक्वल टू लिखेंगे पीई वन माइनस कॉस थीटा, क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा, यानी इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनिशियली ऐसे प्लेस था टॉप डायपोल अपना माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसको ऐसे रोटेट किया कितना एंगल थीटा एंगल, तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डब्ल्यू इक्वल टू पीई वन माइनस कॉस थीटा होगा, क्या होगा पीई वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि थीटा, देखिए ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए है इंपॉर्टेंट, बट ऐसे अगर हम लोग बात करें तो ऐसे लिखेंगे पीई कॉस थीटा, ठीक।
इसमें अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू। तो देखिए डब्ल्यू इक्वल टू यू ही लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो फार्मूला अपने पास है पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यानी यहाँ पे वन आया यहाँ पे टू, ये लिखा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम लोग ऐसे पुट करेंगे तो देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा पुट करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, तो यहाँ पे थीटा वन इक्वल टू 90 ले लीजिए और थीटा टू इक्वल टू थीटा ले लीजिए, तो यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, क्या लिखेंगे माइनस पीई कॉस थीटा, कितना रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये मिल जाएगा, वर्क डन ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।